उसके बाद है ब्रश टूल। ब्रश टूल मैं कंट्रोल जीरो दबाता हूँ। अब ब्रश टूल करता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया मास्क के समय ब्रश का इस्तेमाल होता है। ब्रश माने आपका पेंटिंग ब्रश। मैं ये बंद करता हूँ, ये 6x6 है। मैं कोई भी कलर इसमें सिलेक्ट करता हूँ, जैसे रेड, ओके दबाता हूँ और मैं यहाँ पर पेंट करता हूँ। आप देख सकेंगे यहाँ पर ये पेंट हुआ है। तो आप इस ब्रश से पेंटिंग कर सकते हो, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद का टूल है पेंसिल टूल। इसका इस्तेमाल हम पेंसिल की तरह कर सकते हैं कि पेंसिल जिस तरीके से लिखती है उसी तरह हम भी इससे लिख सकते हैं। अगर आप राइट साइड का कर्व्ड ब्रैकेट इस्तेमाल करोगे तो आप उसकी साइज चेंज कर सकते हो और इसके जरिए आप उसे कम कर सकते हो। सिमिलरली ब्रश की भी साइज आप राइट साइड के कर्व्ड ब्रैकेट से बढ़ा सकते हो, लेफ्ट साइड के कर्व्ड ब्रैकेट से कम कर सकते हो। राइट क्लिक करने पर सारी प्रॉपर्टीज उसकी आपको दिखाई देती है। हार्डनेस सेट कर सकते हैं। हार्डनेस अगर कम रखा तो क्या होगा, यहाँ देखिए हार्डनेस अगर कम रखा तो अब देखिए ये 60% तक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही स्मूथ लाइंस आ रही है। मैंने हार्डनेस पूरा रखा तो क्या होगा, तो यहाँ पूरी तरह से क्रिस्प लाइंस आएंगी। उस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रश टूल का इस्तेमाल हम लोग पेंटिंग करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद का टूल है स्टैम्प टूल। उसकी शॉर्टकट की है एस। एस दबाने पर हम लोग स्टैम्प टूल तक पहुंचते हैं। यहाँ पर दो स्टैम्प टूल्स है, एक क्लोन स्टैम्प टूल है और एक पैटर्न स्टैम्प टूल है। स्टैम्प टूल के लिए पहले जैसे खोली थी उस तरह से एक इमेज मैं खोलता हूँ। तो स्टैम्प करता क्या है, तो समझिए मैंने अगर यहाँ पर ऑल्ट दबा दिया और इस पोर्शन को क्लिक किया तो वो सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉपी हो चुका है। इसको राइट क्लिक की हार्डनेस पूरा रखा और मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और अगर मैंने उसको अप्लाई किया तो आपको दिखेगा ये जैसे के तैसा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। उदाहरण के तौर पर मैं इसे जरा बड़ा करता हूँ और मैं ऑल्ट दबाता हूँ, मतलब ये कॉपी हो चुका है और आप यहाँ पर इसे पेस्ट कर सकते हो। इसका मतलब कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करनी हो तो स्टैम्प का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग कोई स्पॉट है उसको एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं। अगर मैं ऑल्ट दबाकर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉपी हो चुका, या फिर ऑल्ट दबाकर यहाँ पे क्लिक किया तो मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। मैं उसका सॉफ्टनेस बहुत ही कम रख रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ का पैच जो है वो यहाँ से कॉपी पेस्ट हो गया है। तो स्टैम्पिंग का कुछ इस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रीटचिंग टूल जो है उसका भी उसी उद्देश्य से उपयोग हो सकता है। इस बार अगर मैंने ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम कर दी, ओपेसिटी माने अपारदर्शकता, तो मैंने इसकी अपारदर्शकता कम कर दी। ये देखिए मैं ये कम कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकोगे कि ये कॉपी पेस्ट हो चुका है। मैं हार्डनेस इसका थोड़ा कम करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑल्ट दबाकर क्लिक किया है और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग स्टैम्पिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो है पैटर्न्स क्लोन्स का टूल, अगर मैंने यहाँ ऑल्ट दबाया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने अगर ये घुमा दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक पैटर्न तैयार हो गई है। ये पैटर्न आई कहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग पैटर्न दिए हुए हैं, उनमें से आप जो चाहो वो पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हो, वो यहाँ पर पेस्ट होता है।